जांजगीर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट शामिल हुए। इस दौरान टीसीएल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वरी सूर्यवंशी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। युवा संवाद कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए अपनी बातें रखी। यहां सभी को मतदान करने और दूसरों को मतदान करने प्रेरित करने शपथ दिलाई गई। जी हाँ, एनसीसी कैडेट हमने बहुत सारा जागरूक करने वाला कैंपेन अभियान और चलाया है, जिससे हम घर घर जाकर युवाओं को और अन्य नागरिकों को जागरूक किया कि एक वोट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि जो भी प्रतिनिधि है वो अपना नया नया नियम ला रहा है, नए नए सोच ला रहे हैं जिससे हमारे देश का कल्याण होगा। ऐसे में हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ेगा कि किसे हम वोट करें और किस प्रकार अपना देश को कल्याण करें। दूसरों को जागरूक करने के लिए सबसे पहला हमने जो कार्यक्रम किया था उसके लिए नुक्कड़ नाटक किए हैं। फिर हम जो पोस्टर मेकिंग किए हैं जिससे दूसरे हमको देखकर सीखे कि जो बच्चे हैं ये सब कर सकते हैं, तो हम तो युवा है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, तो हमें बिल्कुल ही अपना निष्पक्ष होकर निर्भय होकर मतदान करना है। हम सब ने यह कार्यक्रम स्वीप और एनसीसी कैडेट के कोलैबोरेशन से किया है। इसमें सबसे पहले हमने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का जो है उसका ठाना है। हम लोगों को घर घर जाकर प्रेरित करते हैं एज एनसीसी कैडेट्स और उनको बताते हैं कि उनका मतदान हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है और उन्हें अब उनके मतदान का महत्व बताते हैं। हमने ऐसे पिछले और कार्यक्रम हुए हैं, उनमें भी हमने अपनी भूमिका निभाई है और हम एज एनसीसी कैडेट अपनी भूमिका अपने देश के प्रति सदा निभाते रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न स्वीप गतिविधि आयोजित करने के लिए हमें निर्देशित किया गया है और हर एक विभाग, खासकर आज युवा संवाद के रूप में एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चों के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें युवाओं जो है युवा पीढ़ी अपने मन की बात करेंगे कि किस तरह वोटिंग दी जाए, वोटिंग में क्या क्या कमियाँ हैं, किस तरह उन्हें दूर किया जा सकता है, इनके विषय में ही आज ये कार्यक्रम आयोजित है। जी, एनसीसी के बच्चे काफ़ी उत्साहित है आज के कार्यक्रम के लिए और वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें वो अपने मन की बात रख पा रहे हैं जिससे बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और कार्यक्रम को दिशा दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि बच्चों ने अपने मन की बात यहाँ पे रखी हुई है। जो युवा संवाद कार्यक्रम है वह बहुत ही सफल और युवाओं को जागरूक करने के लिए एक सफल कार्यक्रम है। मतदान में जागरूकता आना स्वाभाविक है, सभी लोगों में यदि जागरूकता आए तो अपने अधिकारियों का जो है वो समुचित प्रयोग कर सकते हैं।